हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 7 के ट्रेलर के बारे में। गाइस, हम देख सकते हैं कि जो लीना वैलेरियन है वो मर चुकी है और उसके अंतिम संस्कार में सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन टाइगेरियन और वैलेरियन की जो अंतिम संस्कार की विधि होती है वो अलग अलग है। जैसा कि हमने इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि जब रेनेरा की मदर की डेथ हुई थी तब अंतिम संस्कार के समय तब उसे ड्रैगन के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। एपिसोड 7 के ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि लेडी लियाना को संस्कार के समय समुद्र में बहा दिया गया था और इसके अलावा हम देखते हैं कि लियाना के संस्कार में किंग वसेरियस, एलिसेंट हाइटार, प्रिंस अगोन, सर लेनोर वैलेरियन और प्रिंसेस रहनेरा अपने दोनों बेटों लुसेरस और जकारस के साथ मौजूद है। इस ट्रेलर में हम लेडी लियाना की माँ और लॉर्ड कॉर्लस की पत्नी रैनिस टारगेरियन को भी देख सकते हैं, जो कि हमें काफी ज्यादा एज्ड दिखाई दे रही हैं। उनका हेयर स्टाइल भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो गया है। लेडी लियाना के ड्रैगन वहेगर को भी हम इस ट्रेलर में देख सकते हैं। अब व्यूअर्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस ड्रैगन की सवारी अब कौन करने वाला है, कौन होगा जो भी इस ड्रैगन का मालिक बनेगा। गाइज, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वहागर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज में सबसे बड़ा ड्रैगन है। इसके बाद इस ट्रेलर में हमें एक सीन में लॉर्ड कॉर्लिस, रनेरा और उसका बेटा और डेमन दिखाई देते हैं। रनेरा के बेटे लुकेरस के फेस पर खून लगा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह शायद उसके और लुकेरस के बीच हुआ झगड़ा था। इसके बाद हमें लेडी लियाना की बेटियां बेला और रहना दिखाई देती हैं, जो कि काफी डरी हुई थी। लेडी लियाना की एक बेटी कहती है कि कोई तो वहागर को रोको। इसके अलावा इस ट्रेलर की एक झलक में हमें दिखाया जाता है कि लियाना और डेमन की दोनों बेटियां ड्रैगन केव में है और दोनों के फेस से खून आ रहा है। हमें लगता है कि वो दोनों वहागर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो नाकाम रही। एक और सीन में हम सर क्रिस्टन और लेनोर वैलेरियन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं और इन दोनों में जीत किसकी होती है ये तो हमें एपिसोड 7 में ही पता चलेगा। इस एपिसोड के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि अगोन और रहनेरा का बड़ा बेटा आपस में एक दूसरे के साथ भिड़े हुए थे और शायद इन दोनों की लड़ाई में रहनेरा के बड़े बेटे के फेस से खून आने लगा था। इसके अलावा इस ट्रेलर में नोटिस करने वाली बात ये थी कि ऑटो हाइटार हैंड ऑफ द किंग के पद पर वापस लौट आएंगे, क्योंकि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर स्ट्रॉन्ग को तो उन्हीं के बेटे लायरस स्ट्रॉन्ग ने पिछले एपिसोड में अपने आदमी भेज कर मरवा दिया था। अब देखना ये है कि ऑटो हाइटार वापस अपने हैंड ऑफ द किंग के पद पर आकर किस तरह एलिसेंट हाइटार की मदद करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर हाउस ऑफ द ड्रैगन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।